রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানা জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষে বুধবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বানপুরের মুঙ্গেরিয়া খাটালপাড়ায়। এ ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন, ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি গাড়ি বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। यहाँ सेल का जमीन है, ये इसको घेर रहा था तो हमने बोला ये सेल का जमीन तुम लोग क्यों घेर रहा है। तो लोग समय दिन में कुछ नहीं किया, रात में फिर उसके बाद सबको एक जगह जुल बनाया, डंटा फंटा लोहा का तरबार वरबार लेके और फिर खड़ा था। वो लोग उस घर में और झमेला चल रहा था, समझाने किया था कोई, तो वहाँ पर गया तो उसका झमेला मेरा घर पर आ गया। मेरा भाई का गाड़ी का शीशा उसका फोड़ फाड़ दिया, मेरा घर में इतना पत्थर पूरा चला दिया गया है, पूरा फटाल का आदमी लोग था। ये कौन लोग थे? खटाल के शंकर यादव था, उत्तम यादव था, उत्तम मंडल था, उत्तम यादव था, डाबो यादव था, लक्ष्मण यादव था, शंकर यादव था, बहुत सारे थे, बच्चे कच्चा सब था उधर का, जो हमारे घर में पूरा हमला किया। फिर भी कितना आदमी लोग? कम से कम 150 आदमी थे। एक घर को दूसरा मैंने जैसे लगता हिंदू मुस्लिम का राइट करवा दिया। और ज़्यादा कोई जख्मी भी हुआ? हाँ, मेरे भाभी के पूरे आँख फट चुका है, मेरा भाई का मुँह फट गया, मेरा माथा फट गया, मेरा भाई का मेरा भी यहाँ लीजिए सीने में चोट लगा है, यहाँ पानी लगा है, यहाँ पे ला लीजिए है। हम लोग को बस नहीं, हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग इन लोगों से बचना चाहिए बस। हम लोग एक घर उधर पर दो घर, तो कुछ समझ में नहीं आया। हम तो अपना घर में थे, हो आवाज़ सुने तो बाहर निकले, डंपर तोड़ रहा पूरा, ईटा पत्थर रड से एकदम पूरा शीशा उसा सब चूर कर दिया। मैदान में बैठा रहा लड़का लोग, उन लोग को भी जाकर माथा उथा फाड़ दिया, लेडीज़ को मार के माथा फाड़ दिया। तो काहे ये झमेला, ये माने काहे? हमको कोई समझ में नहीं आता कौन लोग था ये सब पता है। ये खटाल का जितना यादव लोग है सब, कम से कम 50-60 गो लोग था है ना, खटाल का टोटली आ गया। तो कोई इंजॉय है ना, 12 बरस से लेकर के 18-20 बरस तक का आदमी सब था। इसमें कोई इंजॉय वगैरह हुआ है क्या? हाँ, माथा में लगा सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है। कितना आदमी का? 3-4 आदमी को साथ लगा। लाल बाबू ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ 20 জনকে আটক করেছে। জানা যায় বানপুরের মুঙ্গেরিয়া খাটালপাড়ায় ইস্কোর একটি ফাঁকা জমি আছে, সেই জমিটি দখল করার জন্য দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কাউন্সিলর গুরমিত সিং জানান, ইস্কোর জমিটি কে নিজের দখলে রাখবে তাই নিয়ে দু পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। कुछ इसको का जमीन है, वैकेंट जमीन, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दो ग्रुप है, उसको लेकर आपस में उन लोगों का में मारपीट हुआ है और इसमें दोनों पक्ष इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि एक दूसरा का गाड़ी तोड़ा गया है और एक दूसरा पर पत्थरबाजी किया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग इंजर्ड हुए हैं और पुलिस अभी आई है, अपनी कार्रवाई कर रही है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए काम कर रहा है। कुछ घर भी है, बना हुआ घर भी, उसके कब्जे भी करने के लिए चाह रहा हूँ। हाँ, ये जो है एक्चुअल इसको की वैकेंट जगह है, इसलिए हर पक्ष कब्जा करने का चाह रहा है, वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ या बनाना चाह रहा है, इसी को लेके दोनों में पक्ष में झगड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा आपस में ही लोग मारपीट कर लिया कि दोनों पक्ष का पूरा मोहल्ला एक दूसरे पर पत्थरबाजी किया है और महिलाएँ और पुरुष दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, जिन्हें तत्कालीन हॉस्पिटल लेके जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जिन लोग
जिन लोगों ने आपस में मारपीट की है, पुलिस के पास उनकी डिटेल है, वो उनको अभी गिरफ्तार करने के प्रक्रिया में। कौन लोग किया ये पता है? ये लोकल यहाँ के मोहल्ले के लोग ही आपस में, कोई बाहर का कोई नहीं, यहीं के दोनों सामने सामने रहने वाले दो पक्षी हैं, इनके बीच में आपस में हुई है, किसी दूसरे समुदाय से नहीं हुई, एक ही समुदाय के लोग हैं। आसनसोल थेके सौमित्र गांगुली, आनंद बार्ता।